The state of Uttarakhand will be voting very soon. Who is ahead in this election? Which party has the advantage? I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo Story. Let's take a look at this particular election where the BJP is the incumbent and the Congress is trying to reclaim lost ground in Uttarakhand, which will vote on the 14th of February. The most prominent face of the Congress party is, of course, Harish Rawat, as it looks like it could be a neck and neck battle between the BJP and the Congress. Mr. Rawat has not formally been declared a chief ministerial candidate, but he is the face of the campaign, even as smaller parties like the Aam Aadmi Party look to get a foothold in this state. Will the Aam Aadmi Party play a spoiler? And what are the chances that the Congress and its campaign led by Harish Rawat have? Well, we can go across now to the senior leader of the Congress party, Harish Rawat. You can actually see ki is waqt bhi wo campaign trail pe hi hain, gaadi se hamara interview kar rahe hain. He's almost like a one-man army in the state. Namaskar, Harish ji. Sabse pehle to aapse poochna chahungi ki aapko kya bura lagta hai ki itne prominent leader hone ke bawajood आपकी पार्टी ने आपको औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री का नुमाइंदा नहीं डिक्लेयर किया, क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा सर? देखिए, मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये चाहता था कि पार्टी फेस डिक्लेयर करे, क्योंकि लोकल इश्यूज वर्सेस लोकल लीडरशिप पर हम चुनाव को लाना चाहते थे, और हम नहीं चाहते थे कि मोदी जी को कोई रोल प्ले करने का मौका मिले. It could be almost a guest appearance as our leadership is. But unfortunately, I could not convince my party and party leadership. So whatever they have decided, I have accepted that. And party has entrusted me with the responsibility of campaigning. And उन्होंने कहा है कि कैंपेन को लीड हरीश रावत करेंगे और चुनाव में हमारा पार्टी का नेतृत्व तो हरीश रावत करेंगे. ऑलमोस्ट दे हैव डिक्लेयर्ड मी ए जर्नल. व्हाट विल बी द आउटकम एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, बट आई हैव एक्सेप्टेड दैट एंड आई एम पुटिंग माय होल हार्ट इनटू द कैंपेन. पर सर, जैसे आपने कहा कि यू नो यू हैव ऑलमोस्ट बीन डिक्लेयर्ड द जनरल एंड यू ट्राइड टू कन्विंस योर पार्टी, पर आप कर नहीं पाए उनको कन्विंस, ये क्या कांग्रेस में क्या तकलीफ है, क्या हेजिटेंसी है एक चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने की? देखिए, दो बातें हैं. एक तो पार्टी की एक सेट ट्रेडिशन है और उत्तराखंड में भी करीब वही ट्रेडिशन रहा है, और दिक्कत कुछ लोकल दिक्कत हो सकती है, कुछ अपोजिशन हो सकता है. पार्टी को सबको शांत रखना है, तो हमने भी उस बात मान लिया. हमने कहा ठीक है, यदि आप समझते हैं इससे पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ रही हैं तो आप करिए. पर आपको लगता नहीं कि उल्टा हो सकता है? जैसे आपने कहा कि आप नहीं चाहते थे कि मोदी जी एक फैक्टर बने, और आपको ना नेम करके एक डिसएडवांटेज पार्टी ने अपने लिए क्रिएट किया है. वुड यू अग्री विद दैट? मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक व्यक्ति जो कुछ सोचता है उससे जो कलेक्टिव थिंकिंग रहती है वो ज्यादा बेहतर होती है. मगर मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के स्ट्रेटेजिस्टों ने हमसे स्पेस छीना, उन्होंने स्टेट्स में अपने लीडर्स को मजबूत किया. पहले शिवराज सिंह, वसुंधरा, रमन सिंह एंड ऑल दिस, ये सब इसी स्ट्रेटेजी के पार्ट थे, और नरेंद्र मोदी जी भी उस समय एक लीडर थे. और उसका फायदा बीजेपी मिला कि उन्होंने हमको स्टेट्स में कमजोर किया, फिर उन्होंने सेंटर में धावा किया और हमसे सेंट्रल की गवर्नमेंट छीन ली. और मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमको विचार करना चाहिए, हमको स्टेट के अंदर लीडरशिप को सामने रख करके चुनाव लड़ने चाहिए, और उससे हमारे प्रोस्पेक्ट बेहतर होंगे. एक बार हम स्टेट जीतना शुरू कर देंगे तो फिर 2024 की लड़ाई सरल हो जाएगी.
उत्तराखंड में पार्टी नहीं भी मानी है, आई विल बी इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू प्लीड यस अगेन द लीडरशिप, क्योंकि यहाँ मैं कमजोर इसलिए था कि मेरा अपना स्वार्थ समझ में आता था लोगों के, तो जब आपका स्वार्थ किसी मामले में दिखाई देता है तो फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो मैं आफ्टर ऑल जो लाइन मैंने ली थी, मैंने उस लाइन को अभी छोड़ा नहीं है। मैं पार्टी के अंदर चाहूंगा कि मेरी जो मैंने प्रोपोगेट किया है लाइन, उस पर पार्टी विचार करे। क्यों नहीं आपकी पार्टी हाईकमांड आपकी बात सुनती? नहीं, आप जो आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं सुनी गई, और मुझे कोई जिला शिकवा इस बात का नहीं है। ठीक है, चेन्नी साहब के विषय में मेरी बात सुनी गई, मैंने मैंने पिछले दिनों मेरी बात हुई थी, मैंने कहा चेहरा डिक्लेयर किया जाना चाहिए, उससे हमारी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और आज हमारी जीत की संभावनाएं पंजाब में बढ़ गई है, क्योंकि तो हमारे पास एक क्लियरली डिफाइंड लीडरशिप है विद सोशल बेस जो है। यदि हम तरीके की लीडरशिप और स्टेट में भी क्रिएट करेंगे जिनके पास अपना एक डेफिनेट बेस होगा और एक क्लीन फेस होगा, तो चुनाव जीते जा सकते हैं। पर आपको लगता नहीं कि पंजाब में, आप कहते हैं कि आपकी बात सुनी गई, पर आपको लगता नहीं कि द फैक्ट दैट यू वर डिप्लॉयड टू बी द फायर फाइटर इन पंजाब वाज अ वेस्ट ऑफ यू? आपकी जरूरत उत्तराखंड में थी, वहां आप पंजाब की क्राइसिस सॉल्व कर रहे थे। पंजाब में जो जो भी मेरा रोल था, आई प्लेड एंड पार्टी लीडरशिप के डिसीजन तो आफ्टर ऑल पार्टी लीडरशिप के ही थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो डिसीजन हम लोगों ने लिया था वो पार्टी के लिए अच्छा साबित होगा, फ्यूचर के लिए भी। उससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में नरेटिव बदला, और कांग्रेस पहली बार एससीज में बहुत एग्रेसिवली कन्विंसिंग करती हुई दिखाई दे रही है, उनको उनको अपने साथ लेते हुए दिखाई दे रही है। ये बताइए मुझे कि आपका एक ट्वीट था, शायद आप अब आप काम डाउन हो गए हैं, पर वो मैं याद दिलाऊंगी। ये है वो ट्वीट जहां आपने मगरमच्छों की बात की, क्रोकोडाइल्स लेफ्ट बाय दोज इन पार। आप काफी नाराज थे आपकी पार्टी ने आपको, या पार्टी के कुछ फैक्शंस ने आपको किस तरह से ट्रीट किया, उसके बारे में आप आज क्या कहेंगे? वेयर आर दोज क्रोकोडाइल्स टुडे? मैंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि मुझसे आप समुद्र तैरने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मुझको उस समय कंप्लीट कमेटी का हेड बना दिया गया था, जी लेकिन मेरे साथ सहयोग नहीं है लोगों का, मेरे जी हाथ बांध दिए गए, बांधे जा रहे हैं, मतलब सिख प्रेजिडेंट से लेकर के कोई कॉपरेट नहीं कर रहा था, और मैं मुझे ये माना जा रहा था कि मैं अकेले सब गदा घुमाए जाऊं, काम किए जाऊं, तो मैंने वो कहा, मैंने क्रोकोडाइल इत्यादि की बात कही, एलिगेटर आदि की बात, वो मैंने कहा सत्ता की, सत्ता का मतलब उनके क्रोकोडाइल, या आप जानते हैं आईबी ईडी इनकम टैक्स यही है उनके, और मैं ऑलरेडी सीबीआई के एक केस को झेल रहा हूँ, इंक्वायरीज क्वेरीज की जा रही है मेरे चारों तरफ, करने की कोशिश हो रही है, तो मैंने उसको इंडिकेट किया कि जब मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की मुझसे अपेक्षा की जा रही है, तो आई मस्ट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल। पर आपने जो कहा कि मुझे समुंदर तैरने के लिए बोला और मेरे पास सपोर्ट नहीं था, आज आप क्या कहेंगे? कितनी हद तक एक छोटे टाइम पे आपको अपनी पार्टी के सारे गुटों का सपोर्ट है? देखिए, कहीं कहीं ये आपकी अपनी लीडरशिप का भी है कि आप लोगों को लीजिए अपने साथ। मैंने कोशिश की है। आपने कोशिश की, बट यू आर नॉट साउंडिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक रावत जी। आपको शायद आपने कोशिश की, पर आपको लगता है कि सारे पार्टी के जो गुट है यूनाइट नहीं हो पाए। क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? कभी कभी पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, मतलब और मुझे बड़ा दुख है कि जिस समय हम एक अपने हिस्ट्री के बड़े क्रिटिकल फेज में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उस समय भी हम चुनौती को कम समझ रहे हैं, आंतरिक अपने स्कोर्स को ज्यादा महत्व देते हैं, ये होना नहीं चाहिए।
ये होना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं फैक्शनलिज्म अभी भी है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर सब चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, एकदम से सब चीजें डिजॉल्व हो जाएंगी कि नहीं है, नहीं रिजॉल्व होती है, नहीं रिजॉल्व होती है। तो रावत जी, आपने कहा कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे भी बहुत से लोग आपकी अपनी पार्टी में ही इस लड़ाई की गंभीरता नहीं समझ पाए, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो फैक्शनलिज्म आपकी पार्टी यूनिट में है उत्तराखंड में, उसको आप खत्म नहीं कर पाए, और शायद आपको जो सपोर्ट चाहिए था खत्म करने के लिए वो भी नहीं मिला, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बोलिए। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कोई जान प्रांतिक पार्टी है, और जब भाजपा छोटे राज्य में बहुत के आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं जो उनके कम से कम उनके सेटअप के अंदर अनहद थी, वो ऐसी चीजें नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ तो स्वाभाविक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना मैनेज करने का आर्ट होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके अंदर कभी कभी कुछ महत्वाकांक्षाओं की टकराहट, कुछ समझ की टकराहट, कुछ चीजें होती हैं। क्योंकि पार्टी के कैंपेन को मैं लीड कर रहा था, तो मुझे कुछ न कुछ ऐसा आर्ट डेवलप करना पड़ा कि मैं सबका सहयोग ले सकूं। और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हद तक हम मैनेज करने में सफल हुए हैं, और जो हमारी चुनाव का आउटकम है उस पर कोई डिफरेंसेस यदि थोड़े बहुत थे भी, जब तो उनका असर दिखाई नहीं देगा। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या हो सकता था जिससे आपका कैंपेन और स्ट्रांग होता, हरीश जी? नहीं, हम इस समय पार्टी ने पूरे दिल से और पूरे शक्ति से, इवन सेंट्रल लीडरशिप का भी हमको बहुत बहुत सपोर्ट मिला, पूरा सपोर्ट मिला। और मैं पहली बार जी जी बहुत दिन बाद मुझे लगा कि हम पूरे दिल से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर सुधार की गुंजाइश रहती है, और जो सुधार की गुंजाइश रहनी थी वो या तो मेरे स्तर पर रहनी थी या मेरे कुछ सहयोगियों के स्तर पर रहनी थी। बहरहाल उससे चुनाव की संभावनाओं पर असर नहीं पड़ा है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, आपकी बेटी को टिकट दिया गया, इसको लेकर भी आपकी पार्टी में कुछ नाराजगी थी, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं आई, बल्कि मेरी पार्टी मुझसे, न मेरी बेटी मुझसे ज्यादा एक्सेप्टेबल निकली। क्योंकि तो वहां जो भी कहता था मुझसे, ये कहते थे या तो आप लड़िए और नहीं तो बहन जी को लड़ाइए। तो किसी ने किसी तरीके का रिजेंटमेंट नहीं दिया, मगर मुझे एक आश्चर्य जरूर हुआ कि जिस तरीके से कुछ पार्टियों ने मेरे खिलाफ एक सुसाइड बॉम्ब का काम कर रहे थे, किया था 2017 में, इस बार भी वही हुआ। जैसे ही मेरी बेटी का नाम डिक्लेयर हुआ तो बीएसपी ने अपना कैंडिडेट भी बदल दिया। पहले कोई हिंदू जेंटलमैन उनके कैंडिडेट थे, तो फिर उन्होंने जो है एक मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया। आपने हेलो, कहा कि कुछ, हाँ जी हाँ जी, आपने कहा कि कुछ पार्टीज आर प्लेइंग द रोल ऑफ सुइसाइड बॉम्बर्स, इससे आप क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यदि आप केवल दूसरी पार्टी को हराने के लिए या दूसरे व्यक्ति को हराने के लिए उम्मीदवार बना रहे हैं, आप जीतने की संभावना के साथ चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप केवल वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं और भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। एकाध दो पार्टियां वहां भाजपा के हाथ में खेल रही हैं, जिससे हमारे वोट शेयर, हमारा वोट कटे। आप एंड में क्या बोलेंगे? आपने आपके क्या क्या चांस आपको लगता है, क्योंकि पिछले चुनाव में आप अपनी दोनों सीट हारे, कांग्रेस की सिर्फ 11 सीट थी, इस बारी क्या क्या चांसेस हैं? देखिए उस बार यूपी के चुनावों की वजह से, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कुछ चीजें कही, और एक हिंदू मुसलमान करने में भाजपा सफल हो गई, और उत्तराखंड प्योरली 92% हिंदू पॉपुलेशन है, और हिंदू पॉपुलेशन में भी उत्तराखंड में सवर्ण हिंदू ज्यादा है,
आप अंदाज कर सकती हैं कि वहां जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स यूपी में डेवलप की गई उसका असर उत्तराखंड में भी पड़ा। इसलिए लास्ट 4 डेज में 2017 में भी हम लास्ट 4 दिन के अंदर चुनाव हारे, प्रधानमंत्री जी पोलराइज करने में पॉलिटी को सफल हो गए, हम हार गए। मगर उस हार में भी जितने वोट हमको 2012 में मिला था जिसके बल पर हम चुनाव जीते थे, जी उतना वोट मेंटेन करने में हम सफल रहे। और आज वही वोट हमारी स्ट्रेंथ है जो वोट उस समय हमको मिला 2017 में, बावजूद जी सारे बीजेपी के एफर्ट्स के, तो वो वोट आज हमारे स्ट्रेंथ के रूप में काम कर रहा है। इनफैक्ट दे आर द कंपेनर नाउ फॉर कांग्रेस, और कांग्रेस सत्ता में आए इसके लिए वो काम कर रहे। चलिए हरीश रावत जी, इट्स लेट एट नाइट, आप भी अपने कैंपेन ट्रेल में निकले हुए हैं. थैंक यू सो मच. चुनाव के नतीजे के दिन आपसे दोबारा बात होगी. गुड लक टू यू एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू हरीश जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार. थैंक यू। थैंक यू. इट्स ग्रेट टू सी यू हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क. इफ यू हैवन सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिस्ट.